तो आज हम बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पार्ट वन है एक एक करके सारे डिटेल्स आपको बताते हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल मैकेनिकल एज वेल एज द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीनों ब्रांचेज का एक कॉमन पेपर है पेपर नंबर फोर में आता है जैसा कि आपको पता है पेपर वन टू सिक्स में पेपर नंबर फोर है तो एक कॉमन पेपर है तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पहले हम सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस क्या है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तीनों ब्रांच के लिए ठीक है तो आज इसके पहली क्लास है तो ऑफ सॉलिड का जो सिलेबस जो दे रखा है ऑफिशियली जो एज पर द बीपीएससी जो अनाउंस किया था उसका सिलेबस ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जनरल स्टेट्स एंड स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सीअर सेंटर हो गया थ्योरी ऑफ फेलियर हो गया अनसिमेट्रिकल बेंडिंग हो गया एनालिसिस ऑफ बीम कॉलम एंड साफ्ट और स्ट्रेन एनर्जी दीज आर द सिलेबस एज पर द बीपीएससी जो कि कॉमन है चाहे अब सिविल की बात करें इलेक्ट्रिकल की बात करें मैकेनिकल की बात करें तो ये कॉमन सब्जेक्ट हैं कॉमन टॉपिक हैं सारे के सारे ठीक है अभी तक जिन लोगों ने सेक्रेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए जाके प्ले स्टोर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है जहां पे आपको स्पेशल क्लासेस सारे के सारे प्रीमियम कोर्सेज उन सब के पीडीएफ नोट्स तो स्पेशल क्लासेस इज टोटली फ्री प्रीमियम कोर्सेस जो हैं वो पेड होंगे काफ़ी नॉमिनल चार्ज हो काफ़ी कम प्राइस होगा एंड पीडीएफ नोट नोट्स सारे के मिल जाएंगे चाहे वो स्पेशल क्लास हो या प्रीमियम कोर्स उसके साथ साथ क्यूज होते हैं जैसे कि जो टॉपिक कवर होते हैं तो उस टॉपिक पे क्विज होता है हर दूसरे तीसरे चौथे क्लास के बाद एक क्विज होता है इसके साथ साथ सारे के सारे लाइव स्ट्रीम होते हैं लाइव स्ट्रीम के बाद वो सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में चले जाते हैं अगर कभी किसी कारण से क्लासेस आपका छूट जाता है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशन एवरी थ्री टू फोर क्लासेस के बाद यानी कि क्विज के बाद तीन क्लास या चार क्लास के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डाउट कोई भी आपका चाहे वह ऑब्जेक्टिव के टाइप का डाउट हो या कन्वेंसनर का टाइप का डाउट हो सारे के सारे क्लियर होंगे टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम जो क्वेश्चन करेंगे जैसे जो पढ़ेंगे वो कुछ कन्वेंशनल के फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे जो कि ऐसा नहीं है कि कन्वेंशनल के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट हो तो उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव निकलते हैं जिससे कि एक क्वेश्चन करने से कम से कम आपको चार या पांच छह तरीके के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव कवर होते जाएंगे ठीक है तो ये हो गया अब ऐप के बारे में तो स्टार्ट करते हैं चलिए आगे आते हैं अब सोम पार्ट वन में स्टार्ट फ्रॉम दैसे कि देखो uh, ऐसा नहीं है कि हम पूरा डिटेल्स चीजों को देख रहे हैं आपको ऐसा नहीं, कि नहीं पता है अगर नहीं पता है एकदम से जो सब्जेक्ट नहीं पता है तो आप बता देना आई विल जस्ट डू वन थिंग उसके कुछ कॉम्प्रेहेंसिव कोर्सेस है वो मैं आपको बता दू बिकॉज क्लास कोर्स में एज यू नो वेरी वेल की अगर चौदह घंटा या पंद्रह घंटा या सोलह घंटा है हमारे पास तो सोलह घंटे में एक सब्जेक्ट को कवर करना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब लेकिन हाँ अगर आपने थोड़ा बहुत भी कभी पहले पढ़ा है सब्जेक्ट के बारे में अगर नॉलेज है तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी इवन अभी भी समझ में आ जाए ऐसा नहीं है कि नहीं भी पढ़ा अगर भूल गया हो तो कोई बात नहीं वैसा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कभी किसी चीज का अगर नाम भी सुना होगा ना तो आपको अच्छे से सब कुछ याद आ जाएगा लर्न कर लोगे मतलब चीजें मेमोराइज हो जाएंगी तो द फर्स्ट थिंग द फर्स्ट थिंग इज वॉट एवरी वन इज क्लियर अबाउट द प्रिपरेशन कैसे हम चीजों को पढ़ेंगे या कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं सुमिला लकारा राज वर्षा आशीष शिव मैंग शॉपना एनी डाउट आई थिंक सो देर इज नो एनी डाउट सो सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर फॉर द माइल्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द सिविल इंजीनियरिंग जिससे कि एक ऑब्जेक्टिव हमेशा आता है दैट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील देखो आप कहोगे कि ये टॉपिक क्यों फेवरेट टॉपिक है रीजन ये होता है इसके पीछे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आते हैं दिस टॉपिक इज यूज नॉट इवन इन द सोम दिस इज यूज इन द स्ट्रक्चर एनालिसिस दिस इज यूज इन द आरसीसी कंक्रीट एंड आल्सो यूज इन द स्टील स्ट्रक्चर तो ये टॉपिक एक छोटू सा टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक जगह पर यूज होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं ग्राफ पे हम शो करेंगे चीजों को ऐसे जैसे कि मान लेकर अगर हम स्ट्रेस और डायग्राम की बात करते हैं माइल्ड के लिए तो कुछ ये बनेगा ठीक है आई एम जस्ट गोइंग ओ पॉइंट है कहीं पे कोई भी डाउट आए कोई भी क्वेश्चन से कोई भी तरीके क्योरी हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स ठीक है तो

दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ स्ट्रेस एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्या दिखाएंगे हम स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे आपका स्ट्रेन सो ये लगभग कहां पे कितना परसेंट होता है ये अप्रोक्सिमेटली जो होता है जीरो पॉइंट वन टू परसेंट कितना होता है जीरो पॉइंट वन टू परसेंट ये कितना होता है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.22 टू टू 1.2 से लेके 1.2 से लेके 1.2 से लेके 1.1 परसेंट मतलब 1.1 से लेके 1.2 पॉइंट पर डायरेक्टली लिखो 1.2 परसेंट के आसपास होता है फिर ये जो अल्टीमेट पॉइंट आता है वो 10 से 15 परसेंट पे आता है डिपेंड करता है कंडीशंस पे 10 से 15 परसेंट पे आता है और ये लास्ट वाला जो फ्रैक्चर पॉइंट है ना ये आता है 20 से 30 पे 20 टू 30 दिस इज क्लियर और एनी डाउट तो सवाल यह आता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो हमारा लीनियर ओ ए जो क्या कहेगा लीनियर कर्व होता है नॉन लीनियर होता है तो ओ ए इज द लीनियर ए इज द प्रोपोर्शनल लिमिट ए इज द प्रोपोर्शनल लिमिट बी इज द इलास्टिक लिमिट सी डैश इज द अपर इल्ड पॉइंट एंड सी डबल डैश इज द लोअर इल्ड पॉइंट डी पॉइंट इज द स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट पॉइंट एंड डीई को क्या बोलेंगे डी e को बोलेंगे हम बोले स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन और ई e को बोलेंगे सॉफ्टनिंग रीजन रीजन या या फिर नेकिंग ओके एफ इज द फ्रैक्चर पॉइंट एंड इज द अल्टीमेट पॉइंट तो यहां पे हम डिटेल्स में ऑलरेडी चीजों को कुछ दिखा रखा है तो एक छोटू सा पॉइंट लिखते हैं यहां पे लाइक दिस like ए जिन लोगों को इशू था लैपटॉप पे लैपटॉप पे क्लासेस आपके दो तीन दिन में स्टार्ट हो जाएंगे डोंट वरी उसके लिए लीनियर कर ए प्रोपोर्शनल लिमिट लिमिट बी इलास्टिक लिमिट आपका सी डैश इज द अपर एल्ड पॉइंट अपर एल्ड पॉइंट सी डबल डैश इज द लोअर इल्ड पॉइंट सी डबल डैश इज द लोअर एल्ड पॉइंट सी डबल डैश से ई डी तक C डबल डैश से D तक क्या कहलाएगा प्लास्टिक रीजन गॉट इट प्लास्टिक रीजन D से E तक की बात करेंगे अगर हम तो D से E हमारा क्या कहलाता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन स्ट्रेन हार्डनिंग ऑब्जेक्टिव में आते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन E से लेके F तक क्या कहेंगे हम इसको E से F के कहेंगे स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन और फिर नेकिंग रीजन नेकिंग रीजन उसके बाद ई इज द अल्टीमेट पॉइंट एंड एफ इज द फ्रैक्चर पॉइंट इज द अल्टीमेट एंड एफ इज द फ्रैक्चर पॉइंट एफ इज द फ्रैक्चर पॉइंट गॉट इट क्लियर ना सबको अब कुछ पॉइंट आते हैं जैसे कि सवाल यह है कि अब हम बात करेंगे कि ओ से लेके सी डबल डैश या फिर जो हम यील्ड पॉइंट लेते हैं वो अपर यील्ड पॉइंट लेते हैं लोअर यील्ड पॉइंट तो जो यील्ड पॉइंट का जो वैल्यू लेते हैं वो हम लोअर यील्ड पॉइंट कर लेते हैं कि सिग्मा है और अगर हम अल्टीमेट पॉइंट की बात करें तो दिस इज द अल्टीमेट पॉइंट यानी कि सिग्मा यू तो अल्टीमेट स्ट्रेस हो गया

तो कुछ पॉइंट आपका इलास्टिक होगा कुछ परसेंट आपका प्लास्टिक होगा तो इसका मतलब क्या होता है जैसे प्लास्टिक और इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई मटेरियल है सपोज दैट कि एक कोई मटेरियल लेते हैं स्टील लेते हैं या रबर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल टेकिंग रबर अगर उसको आप स्ट्रेच करते हो स्ट्रेच करने के बाद अगर उसको आप स्ट्रेच करते हो स्ट्रेच करने के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजिशन में वापिस आ जाता है दिस इज कॉल्ड द इलास्टिक मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है कि द मटेरियल ंगेटेड आफ्टर द अप्लाइड द लोड कहने का मतलब ये है कि अगर हम करते हैं और उसका बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इलास्टिक एंड प्लास्टिक एंड वट इज द अपर इल्ड पॉइंट वट इज द लोअर इल्ड पॉइंट इज द अल्टीमेट पॉइंट इफ इज द फ्रैक्चर पॉइंट गॉट इट सो नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ साइलेंट फीचर की अगर हम बात करते हैं तो वी विल टेक लोअर इल्ड पॉइंट एज ए लोअर वैल्यू मतलब वी विल टेक एज इल्ड पॉइंट वैल्यू एज ए लोअर इल्ड पॉइंट कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोअर इल्ड पॉइंट की बात करते हैं तो वो हमारा इल्ड वैल्यू कहलाता है अपर इल्ड पॉइंट को हम इल्ड वैल्यू कंसिडर नहीं करते हैं क्या नहीं करते अपर इल्ड पॉइंट को हम इल्ड वैल्यू कंसिडर नहीं करते हैं जो सी डैश सी डबल डैश से डी के बीच में जो डिफॉर्मेशन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द परमानेंट डिफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड द प्लास्टिक रीजन या फिर यील्ड भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं यील्ड ध्यान से सुनिएगा स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट पॉइंट पॉइंट डी इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट पॉइंट गॉट इट सूर्यकांत जहां से स्ट्रेन हार्ड जहां से अभी समझिए जहां पे बिना किसी लोड अप्लाई किए मतलब सेम लोड पे बिना किसी लोड का मतलब ये हो गया कि किसी भी लोड हम उसमें इंक्रीज नहीं कर रहे हैं जहां तक जो लोडिंग कंडीशन है वहीं तक है उसी सेम लोड पे अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रुक जाता है उस पॉइंट को बोलते हैं डी पॉइंट तो वहां से क्या होता है हार्डनिंग स्टार्ट होता है तो स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट होता है स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट पॉइंट इज द डी पॉइंट एंड जहां पे कहां पे परमानेंट डिफॉर्मेशन दाउट in एनी इंक्रीज इन लोड यानी कि इसमें हमने किसी भी तरीके का लोड यहां पर इंक्रीज नहीं किया है लेकिन डिफॉर्मेशन हो रहा है दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलो येटू बोलो प्लास्टिक रीजन बोलो जो भी बोलो इसके बाद डी रीजन की अगर हम बात करें तो डी रीजन में क्या कहलाता है कि डी से क्या होता है हमने लोड को इंक्रीज किया

हम लोड को एक नहीं करते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली रोड रिड्यूस होते है तो होते है, होता है फ्रैक्चर धीरे धीरे स्ट्रेन डेवलप होता है डिफॉर्मेशन होता है टूट जाता है क्या होता है वो टूट जाता है तो जब वो टूट जाएगा उसको क्या बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट गॉट इट ऑल ऑफ यू यस और नो प्लीज टेल मी तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम फ्रैक्चर पॉइंट बोलेंगे ये हमारा एफ पॉइंट हो गया आपका फ्रैक्चर पॉइंट ठीक है तो ये कुछ हमारे टर्म्स थे जो बेसिक चीजें थो जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट so, अब हम बात करेंगे कि D से स्ट्रेन हार्डनिंग होता है आपको डी से ई स्ट्रेन हार्डनिंग होता है तो इस केस में क्या होता है इस केस में क्या होता है कि मटेरियल विल अंडरगोज चेंजेज इन इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अगर हम डी से ई e की बात करते हैं छोटा सा टर्म लिख लेता हूं यहां पे स्ट्रेन हार्डनिंग के केस में लिख लेता हूं डी से जो ई e रीजन है मटेरियल अंडरगोज चेंजेस इन इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर Got it? उसके बाद आपको लास्ट में तो आपको पता ही चल गया कि नेकिंग फिनोमिना आपने लिख रखा है नेकिंग नेकिंग तो फेलियर के समय so, अगर हम के समय वो दिखाएगा आपको कप एंडलियर सेब्जेक्टिव कि इन केस ऑफ द डक्टाइल मटेरियल इन केस ऑफ द डक्टाइल मटेरियल द फेलियर विल सो कप एंड कोन से और कप एंड कोन फेलियर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री तो एक छोटू सा पॉइंट लिख लीजिए नीचे और कि इन डक्टाइल मटेरियल इन डक्टाइल मटेरियल फेलियर Will so cup and cone shape at forty five degree angle. Got it with load direction. तो ये आपको सिंपल तरीके से माइल्ड स्टील का चीजें समझ में आ गया एक बार में ओवरव्यू पूरा का पूरा चीजें आपको याद हो गया होगा अब इस पे सवाल जो आते हैं कुछ इसे कॉमन से क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल तरीके से अब सवाल ये आपसे पूछ लिया आता है ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता रहा हूं कन्वेंशनल तो हम करेंगे कन्वेंसल पूरा का पूरा आता है लिखने के लिए कि एक्सप्लेन द माइल्ड स्टील ग्राफ एक्सप्लेन द माइल्ड स्टील ग्राफ तो उस केस में आपको पूरा एक एक टर्म्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या कहला रहा है इट जितना चीजें मैंने बताया आपको सारी चीजें करना पड़ेगा इवन मैं ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू भी कराऊंगा कुछ रिकॉर्डेड सेशन है तो मैं आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया करूंगा कुछ सिंपल तरीके जो थ्योरी वाली चीजें हैं तो वो मैं आपको बता दिया करूंगा आपके ही इसी पेड वाले जो सेशन है ना उसी में एड हो जाएगा नीचे में जो भी आपको रिकॉर्डेड सेशन आएगा अब सवाल यह आता है कि एल्यूमिनियम के केस में कितना होता है अगर हम यंग्स मॉडल्स ऑफ एलासिसटी की बात करते हैं कि ई ये ये कैसे कैलकुलेट होगा आपको बाकी के जो टर्म्स हैं वो क्या कहलाता है

ये तो हमने माइल्ड स्टील की बात कर ली अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि आपका ब्रिटल मटेरियल होगा अगर हम ब्रिटल मटेरियल की बात करते हैं तो उस केस में क्या होगा तो एक छोटा सा आ, ट्रिक है छोटा सा टर्म है कि अगर हमारा फेलियर कंडीशन अगर हो होता है तो फेलियर कंडीशन में कौन कौन से टर्म आता है जैसे कि देखिए यहाँ पे फॉल फ्रॉम सी टू सी बिकॉज ऑफ वॉट फॉल फ्रॉम सी डैश टू सी क्यों हो रहा है वो ध्यान से देखिए जैसे कि कार्बन मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर में कार्बन मॉलिक्यूल्स है तो जब यहां पे अपर इल्ड पॉइंट से लोअर पॉइंट इसीलिए आता है क्योंकि आपस में कार्बन मॉलिक्यूल स्लिप करते हैं क्या करते हैं स्लिप करते हैं तो ड्यू टू द स्लिपेज ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल द ग्राफ विल फॉल फ्रॉम सी डैश टू सी डबल डैश गॉट इट सूर्यकांत ड्यू टू टू ड्यू टू द स्लिपेज ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल इन द स्ट्रक्चर दिस इज फॉल फ्रॉम सी डैश टू सी डबल डैस आइए अगला तो इसमें कुछ चीजें हैं याद करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे कि देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो डक्टाइल में टेंशन टेस्ट लगाने पे जो फेलियर होगा वो आपका कितने डिग्री के एंगल पे होगा जो आपका फेलियर होगा वो कितने डिग्री के एंगल पे होगा 45 डिग्री के एंगल पे होगा या फिर 90 डिग्री के एंगल पे होगा तो अभी बताया कि डक्टाइल मेटल में डक्टाइल मेटल की अगर हम बात करें तो उसमें जो फेलियर होगा वो टेंशन टेस्ट में 45 डिग्री के एंगल पे सूर्यकांत क्लियर है सूर्य आपको डक्टाइल में अगर हम टेंशन टेस्ट करते हैं टेंशन टेस्ट करते हैं तो जो फेलियर प्लेन होगा वो कितने पे होगा 45 डिग्री के एंगल पे होगा दूसरा अगर हम डक्टाइल में टॉर्जन टेस्ट करते हैं टेस्ट करते हैं तो कितना पे होगा नाइनटी पे होगा अगर डक्टाइल में कंप्रेशन टेस्ट करते हैं तो फेलियर प्लेन कितना पे होगा 90 डिग्री पे होगा अगर हम ठीक है ना अब हम ब्रिटल की बात करते हैं कि अगर हम ब्रिटल मटेरियल में ब्रिटल में अगर हमने टेंशन टेस्ट किया तो हमारा कितना पे होगा 90 डिग्री पे होगा ब्रिटल में अगर हमने टेंशन टेस्ट किया तो हम नाइन्टी डिग्री पे होगा अगर ब्रिटल मटेरियल में ब्रिटल मटेरियल में अगर हमने टॉर्जन टेस्ट किया तो कितने पे होगा 45 डिग्री पे होगा और अगर ब्रिटल मटेरियल में ब्रिटल मटेरियल में अगर हमने कॉम्प्रेशन टेस्ट किया तो कितना पे होगा 45 डिग्री पे होगा आई होप सो दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू क्लियर प्लीज मी सूर्यकांत वर्षा सुमीला राज शिव मयंक दो जोर प्रेजेंट है बाकी कमेंट्स में नाम नहीं दिख रहे और आज पहली क्लास है तो आशीष गॉट इट तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि आ, अगर हम कोई भी डकटाइल मटेरियल की यूज करते हैं अगर उसमें हम टेंशन टेस्ट करते हैं या कॉम्प्रेशन टेस्ट करते हैं तो फेलियर प्लेन का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री पे होगा तो अभी जैसे कि आपको बताया कि फॉर द माइल्ड स्टिल द फेलियर प्लेन इज एट द फोर्टी फाइव डिग्री इन केस ऑफ द टेंशन इन केस ऑफ द डर डक्टाइल में अगर टॉर्जन और कंप्रेशन टेस्ट करते हैं कंप्रेशन टेस्ट की बात 90 डिग्री ही होंगे उसी तरीके से, के अगर हम बात करें, तो आपका फोर्टी फाइव के के होगा लेकिन अगर हम टेंशन टेस्ट की बात करें तो दैट इज द नाइंटी डिग्री आई होप सो दिस इज ऑल क्लियर रिगार्डिंग दिस थिंग सो सो आपके पास अगर देखो उतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है स्ट्रेस क्या होता है तो वो सब चीजें हमें डिस्कस नहीं करना क्योंकि वी आर डिस्कसिंग हर द क्लास को तो you know well, तो बेसिक थिंग यू नो वेरी वेल हम यहाँ पे जो भी डिस्कस करेंगे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे तो एक सवाल आपके पेपर में ये भी पूछा जा सकता है दिस इज फॉर द ऑब्जेक्टिव ओनली तो ब्रिटल फेलियर की बात करते हैं तो डट ब्रिटल फेलियर क्या होता है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ब्रिटल फेलियर एंगल से ही पता चल रहा है डक्टाइल मेटल विल फेल एट नॉर्मल टेम्परेचर में देखो एक चीज मुझे बताता हूं एक चीज पहले छोटा सा एक चीज मैं आपको समझाता हूं कि आपको पता है कि माइल्ड स्टील तो आपको डक्टाइल मटेरियल है ब्रिटल मटेरियल नहीं है अगर माइल्ड स्टील आपको डक्टाइल मटेरियल है लेकिन अगर उसको काफी टेम्परेचर डाउन कर देंगे अगर उसका काफी टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो वो ब्रिटल फेलियर होगा या डकटाइल फेलियर होगा बताइए योर क्वेश्चन वो ब्रिटल फेलियर होगा या डक्टाइल फेलियर होगा आंसर कर दीजिएगा वो आपका ब्रिटल फेलियर होगा वो आपका ब्रिटल फेलियर होगा सो so, अगर हम बात करते कि कोई अगर हमारे पास ब्रिटल मटेरियल है अब ब्रिटल मटेरियल एट वेरी लो टेम्परेचर एट ब्रिटल मटेरियल एट वेरी लो टेम्परेचर में बिकम डक्टाइल एट वेरी हाई टेम्परेचर ओके एक लाइन लिख देता हूं इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं ऐसे स्टेटमेंट तो नोट के फॉर्म में लिख लीजिए कि डक्टाइल मटेरियल डक्टाइल मटेरियल एट नॉर्मल टेम्परेचर एट नॉर्मल टेम्परेचर में बिकम ब्रिटल में बिकम ब्रिटल एट वेरी लो टेम्परेचर एट वेरी लो टेम्परेचर वॉट इड द फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट क्या कहलाता है सेकेंड पॉइंट क्या कहलाता है कि अब ब्रिटल मटेरियल ब्रिटल मटेरियल एट लो टेम्परेचर अभी आपको समझाते हैं कि ब्रिटल मटेरियल क्या होता है एंड डक्टाइल मटेरियल क्या होता है लो टेम्परेचर में बिकम वॉट डक्टाइल डक्टाइल एट वेरी हाई टेम्परेचर एट वेरी हाई टेम्परेचर दो स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि में बिकम ब्रिटल। जैसे कि लिया कि, आ, नाइट्रोजन की बात करता हूं अगर किसी भी माइल्ड स्टील पे अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर आप उस पर स्प्रे करते हो और एक अगर हैमर से अगर तोड़ते हो तो टूट जाएगा बिकॉज दिस कन्वर्टेड इंटू द ब्रिटल गॉट इट चीजें क्लियर हो गया ना कि अगर किसी भी डक्टाइल मटेरियल में अगर आप नाइट्रोजन ऑक्साइड स्प्रे करते हो काफी ठंडा होता है वो और अगर उसको स्प्रे करने के बाद अगर आप हैमर से क्लियर करते हो मतलब तोड़ते हो तो टूट जाएगा दैट विल ब्रिटल अब ब्रिटल मटेरियल एट लो टेम्परेचर मे बिकम डक्टाइल जो ब्रिटल मटेरियल होता है मे बिकम डक्टाइल एट वेरी हाई टेम्परेचर तो ये चीज है कि अगर ब्रिटल मटेरियल को अगर हम ज्यादा टेम्परेचर पर रखेंगे तो डक्टाइल मटेरियल की तरह बिहेव करेगा अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो तो दिस इज ऑल अबाउट द बिटल मटेरियल एंड डक्टाइल जैसे कि माइल्ड स्टील आपका डक्टाइल um, मटेरियल हो गया एल्यूमिनियम आपके लिए डक्टाइल मटेरियल गोल्ड कॉपर सिल्वर दीज आर द डक्टाइल मेटल वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिटल मटेरियल जैसे कि कॉर्क कॉन्क्रीट ग्लास एटसेट्रा दिस इज द ब्रिटल मटेरियल गॉट इट या गुड आस ऑल क्लियर क्लियर है ठीक है सो आगे आते हैं आगे आते हैं क्या कहलाता है कि आपके डक्टाइल क्या हो गए ब्रिटल क्या हो गए प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया आपको सो so, अब स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में कौन कौन से प्रॉपर्टी होता है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज द कन्वेंशनल बिकॉज कन्वेंशनल में भी पूछे जा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में तो पूछे ही जाते हैं ठीक है तो आइए फर्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कहते अगर आपसे पेपर में लिख दे राइट डाउन द दा फाइव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन फाइव मार्क्स तो आपको कुछ मेटल्स के प्रॉपर्टीज बताने होंगे उसके साथ उसके एग्जाम्पल भी देने होंगे और उसके साथ उसके बारे में एक्सप्लेन भी करना होगा कि कौन कौन सा प्रॉपर्टीज में क्या होता है <coughs> चाहे वो आप ग्राफ के थ्रू बताइए चाहे वो आप कोई डायग्राम बना के दिखाई जैसे भी हो आपको इतना चीजें शो करना होगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द इलास्टिसिटी क्या कहला रहा है इलास्टिसिटी तो इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो इलास्टिसिटी हमारा क्या कहलाता है कि अगर कोई भी मटेरियल पे इलास्टिक मान लिया कि इलास्टिक मटेरियल क्या कहलाता है या प्लास्टिक मटेरियल क्या कहलाता है तो जैसे मान लिया कि कोई एक बॉडी है कोई एक मटेरियल है इस पे हमने टेंसाइल लोड लगाया ठीक है जब उस पे लोड अप्लाई किया और लोड हटाने के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन यानी ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा इलास्टिक मटेरियल और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे इलास्टिसिटी तो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल डिफॉर्म अंडर द लोड एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द लोड इज रिमूव्ड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द लोड इज रिमूव्ड दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी क्लियर सो so, स्टेटमेंट लिखते हैं प्रॉपर्टी पहला चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा सो बाय वर्च्यू ऑफ विच क्योंकि पहला चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरी है Deform under the load, deform under the load and return to its and return to its original dimension, original dimension when the load is removed. लोड इज रिमूव गॉट इट जब हम कोई भी लोड लगाते हैं और उस लोड को हटा देते हैं तो अपने ओरिजिनल पोजिशन ओरिजिनल डायमेंशन में वापिस आ जाता है वह हमारा क्या कहलाता है इलास्टिसिटी कहलाता है चाहे वो लीनियर इलास्टिक मटेरियल हो या फिर नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल हो दट इज इन देर इज नो एनी डिफरेंस की इलास्टिक बॉडी सिर्फ लीनियर ही हो सकता है नॉन लिनियर भी हो सकता है ठीक है तो कुछ ग्राफ इस तरीके से एक छोटा सा दिखा दो साथ साथ भैया ये ग्राफ है समझ में आया ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ग्राफ से काफी नंबर मिलते हैं जैसे आपने दिखा दिया कि ये हमारा लोडिंग है और ये हमारा अनलोडिंग है ये आपका लोडिंग है यह आपका अनलोडिंग है दिस इज इलास्टिक लिमिट लोडिंग अनलोडिंग इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट इसका क्या हो जाएगा ये लोडिंग और ये अनलोडिंग तो दिस इज फॉर व्हाट लीनियर इलास्टिक मटेरियल इलास्टिक मटेरियल ये क्या हो जाएगा नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल इलास्टिक मटेरियल ठीक है।, second, जो हमारा का है तो भाई प्लास्टिसिटी क्या कहलाता है अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिसिटी क्या कहलाता है फर्स्ट वन इज क्लियर इलास्टिक मटेरियल इज क्लियर ना तो प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल बाय विच इज अंडर इन द एलास्टिक स्ट्रेन बियॉन्ड द एलास्टिक लिमिट व्हाट दे कैन से? सेटिक स्ट्रेन बियॉन्ड लिमिट दट इज कॉल्ड कॉल्डिटी दैरेक्टरिस्टिकटेरियल द मटेरियल, बाय विच इट अंडरगोज इट अंड गोज इन अलास्टिक इन अलास्टिक का मतलब क्या होता है इन अलास्टिक का मतलब होगा प्लास्टिक स्ट्रेन प्लास्टिक एन एलास्टिक स्ट्रेन वॉट बियॉन्ड द एलास्टिक लिमिट बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट क्लियर है सबको ठीक है सो so, आशीष क्लियर सुमीला क्लियर वर्षा एज क्लियर ठीक है सूर्यकांत मनीष राज मयंक स्वप्ना प्रधान आइए जो थर्ड थर्ड वन क्या कहला रहा थर्ड वन क्या कहला रहा रिलैक्सेशन सो so, रिलैक्सेशन क्या कहलाता है रिलैक्सेशन क्या हो गया या फिर fatigue क्या हो 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 गया क्रिप क्या हो गया resilience क्या हो गया 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 या या फिर फिर क्या हो गया, tenacity क्या 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 ये सारे के सारे के जो टर्म्स है, these are the important terms. क्या है काफी important है. तो काफी कम समय में मैं काफी चीजें आपको समझाते जाऊंगा चीजों को ध्यान से सुनते जाना क्योंकि सुनना भी काफी जरूरी है क्योंकि जो भी चीज बोल रहा हूं जो भी टर्म्स बोल रहा हूं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन चीजों को ध्यान से सुनना और साथ साथ इन एलास्टिक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है इन एलास्टिक इज नैट इज कॉल्ड द प्लास्टिक स्ट्रेन इन इलास्टिक का मतलब होता है कि जो इलास्टिक नहीं होता है ठीक है ना तो वो क्या हो गया वो प्लास्टिक कहला गया गॉट इट सूर्यकांत थर्ड वन इज अ रिलैक्सेशन कि द्रीज इन स्ट्रेस इन द स्टील एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिप विद इन स्टील अंडर द स्ट्रेन कंडीशन या फिर सबसे पहले रिलैक्सेशन uh, से पहले मैं आपको कुछ और टर्म्स बताता हूं दैट इज द क्रिप फोर्थ वन सबसे पहले क्रिप बताते हैं क्रिप का जो कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो अच्छे से और भी चीजें समझ में आ जाएंगी क्रिप क्या कहता है कि दिस इज द एडिशनल डिफॉर्मेशन दिस इज द एडिशनल डिफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड टेम्परेचर अंडर द दस्टेन लोडिंग कंडीशन विद इन अलास्टिक लिमिट कहने का मतलब यह होता है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक केबल आपने देखा होगा तो इलेक्ट्रिक केबल जो होता है वो जब नया नया जब उसको प्लेस करते हैं तो काफी टाइट होता है काफी ज्यादा स्ट्रेच होता है बट बट आफ्टर वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर टेन ईयर वो धीरे धीरे सैगिंग शो करता है वो बेंड हो जाता है तो जो बेंड होता है ना उस बेंडिंग का क्या मतलब है तो दैट इज कॉल्ड द परमानेंट डिफॉर्मेशन दिस इज कॉल्ड द क्रिप उसी तरीके से वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर योर क्रिप अगर आपने देखा होगा काफी जो पुराने बिल्डिंग्स होते हैं जो पुराने बिल्डिंग्स होते हैं उनके विंडो के बाहर एक छज्जा होता है और छज्जा जो होता तो है धीरे धीरे इस तरीके से बेंड हो जाता है तो जब छज्जा बेंड हो जाता है इसका मतलब क्या होता है दैट इज सो इन द क्रिप यानी कि इट मीन दिस इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन विध रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड टेम्परेचर गॉट इट सो ये दो चीजें हो गए तो ये आपका क्रिप कहलाया तो क्रिप लिखते हैं कि क्रिप प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच वर्चू ऑफ विच दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए अब मटेरियल अंडरगोज एडिशनल डिफॉर्मेशन एडिशनल डिफॉर्मेशन विथ पैसेज ऑफ टाइम विथ सेज ऑफ टाइम अंडर सस्टेन लोड अंडर सस्टेन लोड विद इन एलास्टिक लिमिट विद इन अलास्टिक लिमिट तो ये आपके क्रिप कहलाते हैं तो इसी तरीके से आपके पास दो एग्जाम्पल क्लियर हो गए कि एक आपको इलेक्ट्रिक केबल में अगर हम परमानेंट डिफॉर्मेशन की बात करें कि जैसे मान लें कि ये कोई इलेक्ट्रिक केबल है ये केबल पहले तो कुछ ऐसा रहता है स्ट्रेस्ट लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल सो लाइक दिस डेल्टा शो करता है तो ये जो ब्लू कलर का हो जाता है ना आफ्टर टेन ईयर फाइव ईयर तो दिस इज शो द परमानेंट डिफॉर्मेशन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ठीक है ना तो ये क्रिप फेलियर कहलाता है इसमें उस तरह से जैसे मान लें कि कोई विंडो है ये विंडो का छज्जा है अब इस छज्जे में आफ्टर टेन ईयर और ट्वेंटी ईयर अगर आप देखोगे पुराने वाले घर में कहीं देखो बहुत पुराना जो घर होता है वो कुछ इस तरीके से बेंड हो जाता है

क्रिप फेलियर होगा जब क्रिप फेलियर होगा तो स्ट्रेसेस में रिडक्शन होंगे तो जब स्ट्रेसेस में रिडक्शन होंगे तो उसी रिडक्शन को क्या बोलेंगे हम रिलैक्सेशन बोलेंगे गॉट इट आशीष सूर्यकांत वर्षा राज तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट द डिक्रीज इन स्ट्रेस द डिक्रीज इन स्ट्रेस इन स्टील स्टील एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिप रिजल्ट ऑफ क्रिप विथ डिफॉर्म स्ट्रेन लिख सकते हो दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन एंड द फोर्थ हो गया ना थर्ड फोर्थ फिफ्थ वन की बात करते हैं फिफ्थ वन इज द फर्टिक फिफ्थ वन इज द फर्टिक बाकी लोग एबसेंट हैं आज लगभग लोग के आसपास है देखो फटी को ध्यान से सुनो फटी क्या होता है आ, कभी आपने अगर बाइंडिंग वायर देखा होगा तो बाइंडिंग वायर को अगर हम बार 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 दो बार चार बार दस बार अगर उसको हम इस तरीके से बेंड करते हैं तो वो टूट जाता है तो भाई अगर वो टूट जाता है तो वह कौन सा फेलियर कहलाता है वो कहलाता है फटिक फेलियर क्या कहलाता है फटिक फेलियर गॉट इट साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द फटिक फेलियर यहां पे लिख लीजिए आप छोटो सा लाइन साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक प्रोसेस इज कॉल्ड नहीं साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक प्रोसेस ऑफ फेलियर ना कि इज कॉल्ड ऑफ फेलियर इज कॉल्ड फटिक फेलियर एग्जाम्पल आपको समझा दिया दैट इज द द बेस्ट इज वाइंडिंग दायर जो होता है वाइंडिंग वायर में या फिर फ्लाई व्हील का नाम सुना होगा फेलियर ऑफ द फ्लाई व्हील तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं उसको रोकने के लिए हम लिमिट का यूज करते हैं कि स्ट्रेस लेवल बिलो द इंडरेंस लिमिट स्ट्रेस लेवल बिलो द इंडरेंस लिमिट व्हेन लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेसेस साइकिल कैन नॉट प्रोड्यूस द फेलियर एक लिमिट सेट किया गया है कि अगर उस लिमिट के अंदर अगर उस लिमिट के नीचे जैसे कि इंड्यूरेंस लिमिट की बात करते हैं, उसको बोलते हैं ई एन टेस्ट क्या बोलेंगे ई एंड टेस्ट फॉर इंड्यूरेंस लिमिट इंड्यूरेंस लिमिट जैसे कि मान लिया कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है ये जो लिमिट दे दिया इंड लिमिट दे दिया कि ये नंबर ऑफ साइकिल्स हो गया ये आपका लिमिट है ये आपको स्ट्रेस है ठीक है तो दिस इज सेफेस्ट बिलो द इंड लिमिट कहने का मतलब कि स्ट्रेस लेवल

large number of what stress large number of stress cycle comma cannot produce fatigue failure fatigue failure got it इंडस लिमिट के नीचे किसी भी तरीके का फटिक फेलियर नहीं हो चाहे वो कितने भी लार्ज नंबर ऑफ साइक्लिक लोडिंग हो या रिवर्स साइक्लिक लोडिंग हो दोनों केसेस में यहां पे फेलियर नहीं होंगे द बेस्ट एग्जाम्पल इज फॉर बाइंडिंग वायर एंड फ्लाई व्हील कहीं कहीं पे देखा होगा कि जो फ्लाई व्हील होते हैं उसमें क्रैक आ जाते हैं तो दैट इज ऑल्सो साइक्लिक और दैट इज अ रिवर्स साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस हो या फिर रिवर्स साइक्लिक प्रोसेस हो तो वहां पे फेलियर तो जैसे कि टरबाइन के ब्लेड इज ऑल्सो एग्जाम्पल वहां पे जो फेलियर होता है उसके केस में तो इंड लिमिट का जो अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि इंड लिमिट कितने के बराबर होता है तो इंडरेंस लिमिट इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ half type of the ultimate strength ultimate strength so uh, what do you mean by the resilience do you have any idea about the resilience anyone having any idea about the resilience keep property of metal if yeah, a property of material टू एब्सॉर्व एनर्जी विद इन एलास्टिक लिमिट या फिर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर विद इन एलास्टिक लिमिट दैट इज कॉल्ड द रेजिलियस हाइपर रेजिलियंस क्या कहलाता है कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर बियॉन्ड दिमिट दैट इज कॉल्डर रेजिलियंस टू वी हैव टू टर्म इज द रिजिलियंस एनर वन इज द हाइपर रेजिलियस तो दोनों लिख लेते हैं और फिर मॉडल ऑफ रेजिलियंस काफी बार पूछा गया सवाल है आई थिंक सो कितना नंबर है ये फिफ्थ के बाद आ जाइए सिक्स पे रिजिलियंस स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन एलास्टिक लिमिट विद इन एलास्टिक लिमिट कॉल्ड रेजिलियंस उसी तरह से हाइपर रेजिलियंस हाइपर रेजिलियंस स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट कॉल्ड हाइपरजिलियंस हाइपरजिलियंस सिक्स हो गया

इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं कि एलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी कलर जो पेन का जो कलर है दैट इज विजिबल और नॉट कहीं पे कोई दिक्कत अगर होगा पेन के कलर में किसी भी कलर से तो जस्ट मेंशन योर पॉइंट या फिर किसी भी तरीके का और भी कोई दिक्कत होगा तो भी आप बता दीजिएगा एलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम दूसरे सिग्मा ठीक है ना तो यहां पे आप लिख सकते हैं दिस दिस इज द सिग्मा वाई सो ये सोलोन वाई के केस में क्या हो जाएगा आपको क्या होता है ये आपको पता है कि इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन तो अगर इसका हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा ऑफ मॉडल मॉडुलस ऑफ रेजिलियस क्या हो जाएगा ये वाला एरिया हम कंसिडर करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो जब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की बात करता है तो क्या हम लिख सकते हैं कि सिग्मा वाई बाय सिग्मा वाई का होल स्क्वायर यानी कि वन बाई टू इंटू सिग्मा वाई इंटू सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई का होल स्क्वायर बाई ई दिस इज द मॉडलस ऑफ रेजिलियस गॉट इट दिस इज द मॉडलस ऑफ रेजिलियंस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाते हैं कि मॉडल ऑफ रेजिलियस क्या होता है अब सवाल क्या कहता है टफनेस की बात करते हैं तो टफनेस क्या बियॉन्ड में बियॉन्ड बी पॉइंट इज द स्ट्रेस कर्व करना

स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिफोर फ्रैक्चर क्या कहा जाता है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिफोर फ्रैक्चर दैट इज कॉल्ड द मॉडिल ऑफ टफनेस गॉट इट टफनेस लिखते हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपको नाइन्थ नंबर हो जाएगा आपके ठीक है सो so, ये आपको आप हो गया ये आपको तो मा हो गया ये आपको फ्रैक्चर पॉइंट बाकी पॉइंट आपको मतलब नहीं होता है। तो क्या कहला स्ट्रेन एनर्जी पहले टफनेस लिखते हैं ना टफनेस क्या होता है इट इज एबिलिटी टू एब्सॉर्ब इट इज एबिलिटी टू एब्सॉर्ब मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी अप टू फेलियर अप टू फेलियर तो एफ तो आपको पता है दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट तो यहां पर एरिया ऑफ एरिया एरिया अंडर द करव अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट एरिया अंडर द करव अप टू फ्रैक्चर पॉइंट is called is called modulus of toughness modulus of toughness got it <sighs> toughness will resist will what toughness will resist the fracture toughness resist fracture टफनेस रजिस्ट फ्रैक्चर हार्डनेस हार्डनेस का टर्म्स कहां पे आ जाता है स्क्रैच एंड एब्रेशन हार्डनेस टेस्ट कैसे करते हैं चेक कैसे करते हैं कि कहीं पर किसी मटेरियल में स्क्रैच और एब्रेशन उंगली से स्क्रैच कर देखते हैं चाकू से स्क्रैच करके देखते हैं तो वो आपको हार्डनेस टेस्ट कहलाता है तो हार्डनेस के, के केस में क्या रेजिस्टेंस टू स्क्रैच एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस टू और एब्रेशन जैसे कि आपने सुना होगा लॉस एंजेल एब्रेशन टेस्ट डॉरी एब्रेशन टेस्ट ये आपने ऑलरेडी लैब में टेस्ट भी किया होगा मे बी और नहीं भी किया होगा तो नाम तो सुना ही होगा पहले भी अगर क्लासेस देखे हो तो मैंने चीजें बताया उसके बाद आता है टेनिसिटी व्हाट डू यू मीन बाय द टेनिसिटी Anyone can answer tenacity? Tenacity. This is the property of a material to resist fracture under the action of tensile load. This is the property of a material to resist fracture under the action of tensile load. property of material to resist to resist fracture under the action of under the action of tensile load got it कहीं पे कोई दिक्कत वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिसस्टिक मटीरियल डायल मियल बेटल मटेरियल क्या होता है बाकी समझा दिया आपको कि डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल है जिसको हम थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते दैट इज कॉल्ड द डक्टाइल मटेरियल ब्रिटल मटेरियल वो होता है जिसको हम थीन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते मिलाबिलिटी क्या होता है कि जिसको हम थीन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड द

कहीं पे कोई प्रॉब्लम है किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द हुक्स लॉ हुक्स लॉ के बाद इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे और स्ट्रेस स्ट्रेन के केस में जो फार्मूला है वो सारे के सारे वन बाय वन देखते जाएं क्या कहला रहा है हमारा क्या नहीं कहला रहा है क्योंकि वी आर डिस्कसिंग इन द इम्पॉर्टेंट पोर्संस एंड वी हैव टू कम्प्लीट मैक्सिमम पोर्स इन विद इन द आवर दो घंटे में सारे चीज़ों को कवर कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो आइए लॉ क्या कहलाता है ध्यान से लॉ हुक्स लॉ क्या कहलाता है सबसे पहले ध्यान से सुनिए हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली टू प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड द मटेरियल शुड बी होमोजेनियस इलास्टिक एंड लीनियर होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक एंड लीनियर इलास्टिक होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक एंड लीनियर इलास्टिक ये आपको कंडीशंस कहला रहा है ठीक है तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि होमोजीनियस मटेरियल क्या कहलाता है आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या कहलाता है और लीनियर इलास्टिक क्या कहलाता है चलो लीनियर इलास्टिक तो आपको बहुत अच्छे से पता है जो कि आपने बता दिया लेकिन अगर हम होमोजीनियस मटेरियल की बात करें और आइसोट्रॉपिक मटेरियल की बात करें तो होमोजीनियस मटेरियल आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या कहलाता है तो होमोजीनियस मटेरियल वो मटेरियल होता है जब हम किसी भी पॉइंट पे मटेरियल का प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो वो सिमिलर होता है वो सिमिलर होता है ठीक है लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी भी डायरेक्शन में अगर सारे डायरेक्शन में मटेरियल का प्रॉपर्टी सेम आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो आपका आइसोट्रॉपिकला दिस अ वेरी बेसिक थिंग कभी कभी आपको लिखता है कि वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस मटेरियल एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द हुक्स लॉ कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ट्रेन ये लिखने का जरूरत भी नहीं था आ, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो एप्सोलॉन आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाया टू सिग्मा बाय ई ई सिग्मा, सिग्मा नहीं सिग्मा एप्सोलॉन ठीक है दूसरा मटेरियल शुड बी शुड बी होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक एंड लिनियर इलास्टिक डू यू नो वॉट आर द मीनिंग ऑफ द होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक एंड लीनियर इलास्टिक नो बताइए No till now. Very clear. That's a great note, sir. Till now everything is clear. That's क्लियर दैट्रेट सूर्यकांत clear है clear. That's a great. Good, good, good. ठीक है So आइए एक छोटा सा डायग्राम से दिखाते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सपोज दैट कि दिस इज अ material. एक material ये है एक material ये है तीनों में एग्जाम्पल समझाता हूँ जैसे कि <k 1990> आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है होमोजीनियस होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक तो अगर हमने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस मटेरियल का प्रॉपर्टी चेक किया तो सेम आएगा यहां पे चेक किया तो यहां पे भी सेम आएगा यहां पे चेक किया सेम आ रहा है मटेरियल का प्रॉपर्टी अब इस पॉइंट पे ए बी सी डी ले लो ए यहां पे प्रॉपर्टीज हमने इस डायरेक्शन में लिया सेम है इस ये होमोजीनियस अगर किसी दूसरे डायरेक्शन में लेते हैं ना मान लिया कि एक्स में ले रहे थे वाई में लेते तो अलग अलग हो जाता है इसमें किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी यंग्स मॉडलस ही ले लो आ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी इज द यंग्स मॉडल्स ई यहाँ पे भी ई e, यहाँ पे भी, e, यहां पे भी e. और यहाँ पे हमने वन टू थ्री मान लेते हैं कि दैट इज द वन टू थ्री फोर तो ये आपको ई वन ये भी आपको ई e, यहाँ पे ईवन क्यों ई e ले चलो ई e, ये भी यानी किसी भी डायरेक्शन प्रॉपर्टी चेक करें तो सेम टू सेम दैट इज द गॉट इट समझ में से होमोजीनियस मटेरियल वो होता है कि, कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम किसी मटेरियल मटेरियल प्रॉपर्टी चेक करें अगर सेम प्रॉपर्टी आता है वो हमारा होमोजीनियस कहलाता है अगर किसी भी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी चेक करते है चाहे वो एक्स हो वाई हो जेड हो कहीं पे भी चेक करेंगे तो प्रॉपर्टी सेम आएगा दैट इज कॉल्ड द आइसोट्रॉपिक uh, इस केस में अगर हम इस डायरेक्शन में चेक करेंगे तो हो सकता है ये ई e के जगह ई वन या इवन हो या E2 हो, एक E1 हो गया, एक E2 तो दोनों डायरेक्शन में चेंज change, हो पॉइंट पॉइंट सेम रहेगा किसी भी पे चेक करोगे तो जैसे मान लिया पे पे अगर चेक किया तो यहां पे भी ईवन आया तो आया तो किसी भी पॉइंट पे चेक करिए उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको मटेरियल का प्रॉपर्टी सेम आएगा लेकिन बाकी अलग अलग डायरेक्शन में चेक करो तो गलत मतलब उल्ट डिफरेंट प्रॉपर्टी आ रहा है वो हमारा होमोजीनियस और सेम प्रॉपर्टी आएगा तो वो आपका आइसोट्रॉपिक उसी तरीके से कहा जाता है नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल तो नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होगा कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर कोई भी डायरेक्शन में चेंज चेक करते हैं तो वो बराबर नहीं होगा जैसे कि मान ली ये, ये हो गया ये हो गया ये तो वैसे लिखा हुआ नहीं था लेकिन फिर भी ई यहां पे ई आएगा यहाँ पे ई आएगा यहाँ पे ई आएगा यहाँ पे ई आएगा यहाँ पे ई आएगा This is term. कि कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है इसी को बोलते हैं तो हमें डिस्कस नहीं करना यहाँ पे कि होमोजिनियस क्या होता है आइसोट्रॉपिक क्या होता है बाकी चीजें बाद में देखेंगे

अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपने चीज़ों को पढ़ रखा है ऐसा नहीं कि नहीं पर अगर जहां पे दिक्कत होगा यू विल जस्ट आस्क मी कि हाँ जैसे कि आपने पूछ लिया आ, कि कुछ पॉइंट्स आपने पूछे थे कि डी पॉइंट क्या होता है या फिर प्लास्टिक जोन क्या होता है इनलास्टिक जो भी टर्म्स अगर आपको लगता है कि अगर आपको उस चीज बारे में नहीं पता है ज्यादा डिटेल्स में जाना जस्ट राइट डाउन द कमेंट बॉक्स मैं आपको उसी समय बता दिया करूंगा ठीक है कहीं पे भी कोई भी चीजें लगता है क्योंकि अब हम जो एक्सप्लेन करने वाले अब जो हम चीजें पढ़ने वाले वहां पे हम फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे हम डायरेक्टली फॉर्मूला देखेंगे जो डेरिवेशन होगा जो भी डेरिवेशन होगा वी विल जस्ट कवर फ्रॉम द कन्वेंशनल पार्ट जैसे कि अः अगर आपने सोम का कुछ प्रैक्टिस सेशन मैंने जो कराए हैं तो सोम के प्रैक्टिस सेशन में आपने देखा होगा

Premises, एक डेरिवेशन कराया था कि अगर कोई आपके पास टेपर्ड बार है अगर आपके पास कोई टेपर्ड बार है तो उस केस में डिराइव कैसे करोगे टेपर्ड बार के लिए टेपर्ड बार को डेरिवेशन क्या होता है मतलब सर्कुलर बार के लिए टेपर्ड बार के रेक्टेंगुलर के केस में बोला था कि आप खुद से करिएगा और उसके बाद एक क्लास में बताया प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का डेरिवेशन आप कर लीजिएगा कि हाउ टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल कह लो या पर्टिकुलर बॉडी कह लो कि अगर कोई पर्टिकुलर एंगल पे मान लीजिए कोई थीटा एंगल पे वर्टिकल हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो सकता है जो कट कर रहे हैं तो उस कट करने के बाद उस पर जो नॉर्मल uh, स्ट्रेसेस का वैल्यू क्या होगा स्ट्रेसेस का क्या होगा, या फिर का क्या होगा हमको देखना आना चाहिए तो वो सारे जो डेरिवेशन है ना वो डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा वो मैं क्वेश्चन से कवर कराऊंगा जब हम uh, जो प्रैक्टिस एंड पार्ट सिक्स आएगा, आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम कन्वेंशनल क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा काफी का मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सो चीज का आपको ध्यान रखना है सो so, अगला हेडिंग डालते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर अंडर लोड। एंड वन मोर थिंग देखो आ, कुछ सब्जेक्ट जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा जैसे कि हाइड्रोलॉजी इरिगेशन हो गया बिल्डिंग मटेरियल हो गया बट उनके जो भी फैकल्टी पढ़ाएंगे तो वो क्वेश्चन का जो सिलेक्शन होगा वो प्रिसाइजली मैंने ही मैं ही सेलेक्ट करके उनको दूंगा क्योंकि टाइम नहीं होता है और कुछ चीजें मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता जैसे कि ओ पढ़ाने में मुझे मजा नहीं आता आपको कुछ लोगों को पता है पहले से तो ठीक है ना तो डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर अंडर द एक्सियल लोड जैसे सपोज दैट कि एक मेंबर लेते हैं ठीक तो ये आपको फिक्स है ड्यू टू द सेल्फ वेट ड्यू टू द सेल्फ वेट या फिर पहले सेल्फ वेट की डिफॉर्म एक्सियल लोड की बात क्या है ना पहले तो पहले लोड लगा दो किलोटन का लोड लगाया अब यही चीज दो अलग अलग टर्म्स में आपको आता है एक क्वेश्चन आता है आपको कि सेल्फ वेट के कारण इसमें क्या डिफॉर्मेशन होगा दूसरा ये आता है कि अगर हमने पी किलोटन का लोड लगा रखा है तो क्या डिफॉर्मेशन होगा गॉट इट तो पी किलोटन का अगर हम लोड लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से इसमें डिफॉर्मेशन होगा जो मेंबर था वो मेंबर कुछ ऐसा दिखेगा तो यहां से लेके यहां तो क्या बोलेंगे हम डेल्टा ये तो लेंथ है तो लोड एक्टिंग देन डेल्टा इक्व टू क्या हो जाएगा पी एल बाई बोलो बहुत पढ़ा है ये चीजें हमेशा से पढ़ा है और ये चीजें बहुत अच्छे से याद आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा दिस इज एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कह सकते हो पी आपका लोड हो गया डेल्टा एल तो आपका ले हो e. e क्या होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर कभी भी आपको पेपर में यंग्स ऑफ यंग स्टील नहीं दिया हुआ है तो ई स्टील इज इक्वल्स टू होता है टू इंटू टेन पावर फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वायर किसी भी तरीके का स्टील हो चाहे वो माइल्ड स्टील हो या एच वाई एस डी बार हो एच टी एस बार हो सी टी एस मतलब स्टील का बात क्या तो सारे में स्टील का जो होगा यंग्स मॉडलिटी कितना होगा टू इंटू टेन टू पावर फाइव न्यूटन पर एमएम स्क्वायर गॉट इट दैट्स ग्रेट शिव कुमार मुझे लगा आप तो एबसेंट हैं चले गए हैं आइए नेक्स्ट ये चीजें आपको क्लियर है ठीक है ना अगला आते हैं कि अगर हम इसी में स्टेप बार की बात करते हैं वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टेप बार इसका डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से भी हो सकता है लाइक जो फर्स्ट वन का जो डायग्राम है ना आपका कुछ ऐसे भी हो सकता है देखो डायग्राम कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपको पीक लंडन का लोड लगा है तो डिफॉर्मेशन जो होगा डेल्टा क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं ना कभी कभी आप तो इसलिए दोनों तरीक़े से मुझे बताना पड़ता है या तो ये लिखिए या ये लिखिए बात बराबर है या तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए दोनों में से कोई भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे पी क्लोड का लोड लग रहा है यहां का लोड लग रहा है ठीक है सो नाउ द सेकेंड वन कि डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर अंडर एक्सियल लोड बट दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेप्ट बार का मतलब ये हो गया दूसरा वाला आ जाइए पहला क्लियर जैसे कि मान लिया कि कोई एक मेंबर है एक ये है एक ये है हो सकता है इसका एरिया अलग है अलग अलग तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता अभी आपको समझाएंगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी फिर कहोगे हाँ इट्स वेरी सिंपल इसका एरिया हमने ए वन लिया यंग्स मॉडल फिलोसिटी ई वन हो गया और ये एल वन हो गया कहने का मतलब कि दिस में बी द स्टील मे बी कॉपर मे बी एल्युमिनियम एनी मटेरियल इसका एरिया हो सकता है बी का एरिया से जो ए टू से अलग हो ए टू ई टू एल टू अगेन ए थ्री ई थ्री और एल थ्री तो भाई ये तीनों का अलग अलग कंडीशन है फर्स्ट का कंडीशन अलग है सेकंड का कंडीशन अलग है और थर्ड का कंडीशन अलग है पी का लोड लग रहा हुआ है, तो वॉट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू द लोड पी तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है पी वन एल वन प्लस पी वन एल वन बाई ए वन ई वन प्लस पी टू एल टू बाई ए टू टू प्लस पी थ्री एल थ्री बाई ए थ्री थ्री बट अगर आपके पास भाई आपको पता है कि P1 वन प्लस पी टू इक्वल्स टू पी थ्री तीनों को कॉमन निकाल लोगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं आपको तो लिखना तरीका ये होगा P1 वन एल वन बाई ए वन ई वन प्लस पी टू एल टू ए टू ई टू प्लस पी थ्री एल थ्री ए थ्री थ्री एक चीज और आपको बताता हूं कि ए एल क्या होता है एक्ज स्टिफनेस बहुत सारे टर्म्स हैं एल एग्जिक टू क्या बोलेंगे Axial stiffness. बराबर के तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं साहब डेल्टा इज इक्वल्स टू पी बाई के वन प्लस पी टू बाय के टू प्लस पी थ्री बाय के थ्री एंड पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री अगर हम इन तीनों से कॉमन निकाल लें कि पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा पी तो डेल्टा इक्वल्स टू पी इंटू वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू प्लस वन बाई के थ्री आया समझ या नहीं आया बताइए अच्छा डिफॉर्मेशन ड्यू टू द सेल्फ वेट आ रहे हैं आ रहे अभी एक मिनट में सब आ रहे हैं अगर हम डिफॉर्मेशन ड्यू टू द सेल्फ वेट इसी में अगर हम बात करें आगे लिखेंगे तो गामा इंटू एल स्क्वायर बाई टू होगा याद रखिएगा गामा इंटू एल स्क्वायर बाई टू ड्यू टू द सेल्फ पेट आगे लिखते हैं अभी इसको एक में लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज गया आप और प्रॉब्लम होगा इसलिए बेटर है कि हम अलग अलग चीजों को लिखते हैं ठीक है थीके? अब सवाल आगे आते हैं सूर्यकांत आ गया समझ ओके आ जाइए थर्ड वन थर्ड वन क्या कहता है ध्यान से देखिए जैसे कि मान लिया कि कोई एक फिक्स है ओके लेकिन अभी तक तो भाई आपने किया था कि प्रिज्मेटिक है लास्ट वाला जो था वो प्रिज्मेटिक था लेकिन ये कहता है कुछ इस तरीके से होगा तो इस केस में क्या करोगे आप जस्ट इंट्रीग्रेट दिस पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू द डीएक्स ऐसा कुछ रहेगा तो एक छोटू सा एलिमेंट लेते हैं हम डीएक्स एलिमेंट क्या लेंगे एल हो जाएगा डीएक्स एलिमेंट हो जाएगा कहां से कहां तक यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या लेंगे स्मॉल पार्ट से एक्स सो डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे यहां पर डेल्टा इक्वल्स टू इंट्रीग्रेशन ऑफ जीरो से एल जैसे कि मैंने एक डेरिवेशन कराया हूं अभी डिफॉर्म बार के केसेस में जो कन्वेंशन में कराऊंगा वहां पर पी इंटू डी एक्स बाई एक्स इंटू गॉट इट पी इंटू डी एक्स बाई एक्स इंटू गॉट इट तो ये आपका जीरो से एल के रेस्पेक्ट में डिफरें आपको डेरिवेशन हो गया सो so, नेक्स्ट क्या होगा अगर आपको इस तरीके के बार है अगर कोई और बार की बात करता है तो भी कैलकुलेट हो सकता है अगर सपोज स्ट्रेट कह सकते हैं जीरो से L के रिस्पेक्ट में नाउ अब आपका जो सवाल था अब आपका जो सवाल था उस सवाल से पहले कुछ बार के बारे में डायरेक्टली लिख लेते हैं कि ये आपको तीन नंबर लिखा था ना चार नंबर डेरिवेशन रिक्वायर्ड है अभी जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो कन्वेंशनल वाले क्लास में करा दूंगा अभी डेरिवेशन अगर आपको पढ़ने के लिए समझने के लिए डेरिवेशन करा सकता हूँ सिर्फ लेकिन इतना टाइम नहीं होगा कि मैं चीजों को डिराइव कराऊं लेकिन फिर भी अगर आप कहोगे तो एक आठ दो तो तो कराऊंगा कराऊंगा वहां पे आ, जो कन्वेंशनल क्लासेस कराएंगे ना प्रैक्टिस उसमें तो डेरिवेश करना है जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसका डेरिवेशन करेंगे जैसे कि ये ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसका अक्सर एग्जाम में पूछा गया बीपीएससी दो हजार उन्नीस में पूछा गया तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है देखो याद करने का तरीका डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है पीएलवाई होता है ना तो इस केस में एक का डायमीटर हमने डी वन लिया इस छोटू वाला डायमीटर हमने डी टू लिया टोटल लेंथ जो ले लिया वो एल ले लिया सो भाई क्या हो जाएगा पी एल तो रहेगा ही रहेगा एरिया की जगह क्या लिख सकते हो पाई डी एवन डी टू इंटू पाई डी वन इंटू डी टू पाई डी स्क्वायर बाई फोर यही होता है ना इंटू ये आपको एरिया है तो द फाइनल इक्वेशन ऑफ द डेल्टा इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ द पीएल बाई डी वन डी टू याद हो जाएगा ये कुछ नहीं याद करना इसमें पाई फोर पीएल बाई डी वन डी टू इंटू यही है फोर पीएल बाई ए ही है मतलब पीएल बाई ए ही डेल्टा टू पी एल बाई ए ही है इसको सिर्फ किस तरीके से लिखा गया था वो मैंने यहां पे लिख के आपको दिखा दिया गॉट इट अब उसी तरीके से कहता है कि रेक्टेंगुलर स्टेप बार होगा तो क्या होगा रेक्टेंगुलर स्टेप बार होगा तो क्या होगा ठीक है सूर्यकांत आशीष वर्षा शिव कुमार दो जोर प्रेजेंट है यार प्लीज आंसर सर क्लियर है यहां तक कि नहीं है कोई डाउट तो नहीं है किसी को ठीक है तो थोड़ा सा इसको आप अंदर की तरफ दिखा सकते हैं बट इट्स ओके समझ में आ गया ना आपको कि इज द स्टेप बार छोटू वाला को हम बी वन लेंगे बड़ा वाला को हम बी टू लेंगे एंड थिकनेस को जो हम टी लेंगे यहां पे ठीक है एल तो आपको पता ही है कि लेंथ होगा पी किलोटन का लोड रहेगा आपका यह दिस इज ऑल्सो पी किलोटन लोड सो डेल्टा बराबर क्या होगा आफ्टर द डेरिवेशन ये मैंने शायद पेपर में उस समय बोला था कि इसको अब डिराइव करना पी एल लॉग बेस ई बी टू बाई बी वन बाई

लॉग बेस ई के फॉर्मेट में लॉग बेस टेन में क्या होगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा गॉड इट यस और नो कहीं कहीं पे आपने देखा होगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री सर पाई छूट गया अच्छा 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 ठीक है ठीक है थैंक यू पाई डी वन डी टू इन ई ठीक है ठीक है हाँ। तो ये भी क्लियर हो गया ये भी क्लियर हो गया अब देखिए अब देखिए क्या कहा जा रहा है अब जो आपका सवाल था ना सूर्यकांत आपका सवाल था कि व्हाट विल हैपन या व्हाट विल बी द डिफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द सेल्फ वेट तो दिस इज द दिक्कथ वन आई थिंक सो फिफ्थ वन के बाद सिक्स वन आएगा आपका ये तो यहां पे हमने किसी भी तरीके का कोई लोड नहीं लगाया है तो ड्यू टू द सेल्फ वेट यहां पे लिख देता हूं ड्यू टू सेल्फ वेट तो ड्यू टू सेल्फ वेट डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है गामा इंटू एल स्क्वायर गामा क्या हो जाता है डेंसिटी और डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई ए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको कि डब्ल्यू इन टू एल बाई टू ऑब्जेक्टिव में मोस्ट फ्रिक्वेंट पूछा जाने वाला सवाल है अगर हम बार की बात करते हैं तो काफी बार पूछा गया सवाल है अलग अलग स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में ई में ही पूछा गया है और जे में पूछे गए सवाल है काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जा चुका है अब इसी में एक और टर्म्स आता है कि सेवेंथ वन कि वेन द बार इज द प्रिजमैटिक एंड द वेन बार इज द कोनिकल बार ड्यू टू द सेल्फ वेट इन प्रिजमैटिक इन प्रिजमैटिक एंड द सेवेंथ वन कोनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट कुछ नहीं करना है इसमें वन थर्ड लगा देना है क्या करना है आपको वन थर्ड जैसे ये कोनिकल बार है ठीक है ना दूसरी तरह कोनिकल बार तो कोनिकल बार के केस में क्या हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल्स टू वन बाई थ्री टाइम्स ऑफ द डेल्टा प्रेजमेटिक तो डेल्टा प्रेजमेटिक क्या है वन बाई थ्री टाइम्स ऑफ द गामा इंटू एल स्क्वायर बाई टू ई यानी कि क्या हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू गामा इंटू एल स्क्वायर बाई सिक्सी ठीक है ना कहीं पे किसी को कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम है तो बताइए जहां तक उम्मीद है कि कुछ नहीं दिक्कत होगा ठीक है ठीक है आशीष वर्षा सूर्यकांत ठीक है शिव कुमार ठीक है एक एक चीज एक एक पॉइंट हर एक जगह पे क्लियर हो गया आपको अब यही कहता अगर आपको कि सेल्फ वेट के कारण सेल्फ वेट के कारण अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग तरीके के बाहर लग रहे हैं जिसमें अभी दिखाते दो अलग अलग तरीके के बाहर लग रहे हैं तो क्या हो जाएगा ठीक है ना एट्थ नंबर है साहब आपका हाँ एट नंबर में देखिए आई जस्ट told you यू एवरी टाइम कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वेश्चन एनी टाइम you just जस्ट आस्क कि कहां पर दिक्कत आ रही है क्योंकि जब आप प्रॉब्लम लेके आओगे तो काफी मजा आएगा मान लें कि इसको गामा वन मान लेते हैं इसको एल वन मान लेते हैं इसको फाइव वन मान लेते हैं इसको गामा टू मान लेते हैं इसको एल टू मान लेते हैं इसको फाइव टू मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा आ, ये डिराइव होता है डू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस थिंग्स कि हाउ टू कैलकुलेट दिस टर्म्स विथ रेस्पेक्ट टू द गामा एल फाइव एटसेट्रा बताइए एनी वन कैन आंसर डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस थिंग्स क्योंकि अभी पूरे के पूरे टर्म्स आएंगे लाइक की इंडिपेंडेंट एलास्टिक कॉन्स्टेंट की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा फॉर द होमोजीनियस मटेरियल ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल या फिर आइसोट्रॉपिक केस में मटेरियल के केस में क्या हो जाएगा आपको या फिर अभी आ रहे हैं एक एक सेकंड में आ रहे हैं कि क्या कहलाता हमारा किसी का कॉमेंट है राज ओके okay. तो इन वेरी सिंपल थिंग इसको मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा इस पर इस पर आपको सेकेंड क्लास में क्वेश्चन फर्स्ट थर्ड क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा इस पर तो इस पर और भी अच्छे से क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा जब एक्सप्लेन होगा ना जब डिराइव होगा तो आपको और भी ये क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इसको स्टेप बार के लिए डोंट वरी क्योंकि जो चीज़ नहीं पता है आपको तो उसके लिए तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा तो वो हम कन्वेंसर वाले पोर्शंस में देंगे अभी आपको क्या है कि एक थौली रिवाइज होने वाला है मतलब जो सोम है ना दो से छह घंटे के अंदर पूरा का पूरा सोम का जितना भी थियोरिकल पोर्स है सारे के सारे चीज रिवाइज हो जाएंगे और कंप्लीट हो जाएंगे और नाइन्थ वन क्या है कॉम्पोजिट बार कॉम्पोजिट बार की अगर हम बात करें कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस कि अगर मान लीजिए कोई फिक्स सपोर्ट है एक ये बार है आपका एक ये बार है आपका और किसी भी टर्म से इसको हमने फिक्स किया है एंड वी विल जस्ट अप्लाई अ लोड हेयर पी किलोमीटर का लोड लगा इसको हमने ए वन ए टू ले लिया इसको फ़िक्स करते हैं क्वेश्चन आते हैं इस पर क्वेश्चन कराना बहुत ज़रूरी है आपको क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन करोगे नहीं तब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ए वन ई टू और इस सॉरी ए वन ई वन हो गया ना ए वन ई वन ए टू ई टू

पी so, P1 और P2 का वैल्यू क्या होगा? कभी कभी क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सवाल है ये A1 वन ईवन इंटू पी बाई ए वन ई वन प्लस ए और उसी तरीके से P2 बराबर क्या होता है A2 टू इंटू ई टू इंटू पी पी इज द कॉमन टर्म क्योंकि P2 निकाल रहे हैं ना तो A1 वन ईवन प्लस ए टू ये याद कर लीजिए कोई बड़ी चीज नहीं है ये याद करना है कि अगर आपसे पूछ लेता है कि पी किलोटन का लोड लगा रहे हैं किसी कंपोजिट बार में एंड वॉट आर द वैल्यू ऑफ वॉट आर द वैल्यू ऑफ लोड इन द बार वन एंड वॉट आर द वैल्यू ऑफ द लोड इन बार टू That totally depend upon that totally depend upon what that totally depend upon the cross sectional area and Young's modulus of elasticity of that particular material one and that particular material B. यही तो है ना चाहे आप इसको इस तरीके से रखो या फिर आपको क्वेश्चन में अगर इस तरीके से भी देता है कि ऐसे लगा हुआ है सवाल ऐसे भी आ सकते हैं आपको कि ऐसे कोई दो मेटल है और इसमें ये लगा हुआ इस इसपे कोई पी किलोटल का लोड लगा हुआ है ये मटेरियल वन है ये मटेरियल टू है तो व्हाट विल बी द इलांगेशन इन वन एंड टू या व्हाट विल बी द फोर्सेस विल डेवलप इन द दन एंड व्हाट विल द रिएक्शन विल डेवलप ड्यू टू द लोड पी इन द मटेरियल वन और मटेरियल टू एनी कैन दे मे बी आस वॉट आर द वैल्यू ऑफ द डेल्टा तो इस तरीके सवाल पूछा जा सकता है तो आपको इन चीजों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा तो वेन दे आर आस्किंग अबाउट द डेल्टा यू हैव टू कैलकुलेट पी वन और पी टू इधर पी वन कैलकुलेट करिएट करिए तो उसके लिए आपको पी लोड दे रखा तो मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ट्रिकी चीजें दिया रहेगा जिससे कि आप आसानी से हर एक चीज को सॉल्व कर सकते हो ठीक है <laughs> अब सवाल यह आता है कि थर्मल स्ट्रेस हम इसके बाद डिस्कस करेंगे अभी होल्ड uh, करते थर्मल स्ट्रेस पे बिफोर स्टार्टिंग थर्मल स्ट्रेसेस कुछ और भी टर्म्स हैं वो मैं डिस्कस करता हूं जैसे कि पॉइजन रेशियो हो गया एंड आपका चारों का चारों पॉइजन रेशियो हो गया सीयर मॉडल हो गया बल्क मॉडल हो गया एंड इलास्टिक मॉडल इलास्टिक मटेरियल हो गया ई e हो गया उसके बाद इन सब सबके डिस्कशन के बाद हम डिस्कस करेंगे आपको आ, याद दिला देना एक बार थर्मल एक आ, थर्मल स्ट्रेसेस का क्योंकि थर्मल स्ट्रेसेस अभी होल्ड कर रहा हूँ लास्ट में कवर करूंगा क्योंकि एल अल्फा टी ई एल्फाटी एंड विथ ऑफ रेशियो आएंगे कि अगर हमारा दो साइड से एक साइड से रिस्ट्रेंड है तो क्या होगा दो साइड से रिस्ट्रेंड है तो क्या होगा अगर ये तीनों साइड से रिस्ट्रेंड कर देते हैं तो क्या वहां पे स्ट्रेस डेवलप होगा या फिर डिफॉर्मेशन होगा या फिर मतलब क्या कंडीशन होंगे या फिर डिस्प्ले मतलब हर एक अलग अलग कंडीशन के लिए हम चीजों को ध्यान से देखेंगे तो वो इसके बाद तो बिफोर स्टार्टिंग आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इलास्टिक मॉडल्स तो कौन कौन से इलास्टिक कॉन्स्टेंट है इलास्टिक मॉडल्स नहीं अलास्टिक कॉन्स्टेंट द फर्स्ट इलास्टिक कॉन्स्टेंट इज द यंग्स मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज ई ये चारों के चारों काफी इंपॉर्टेंट है कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है कहां कहां इसका यूज होगा वो मैं आपको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा कंपोजिट बार का एग्जाम्पल जैसे कि मान लिया कि सपोज दैट कंपोजिट बार के एग्जाम्पल पे इसको स्टार्ट करने से एक बार आ ही जाते हैं आप बोलो तो जैसे कि मान लिया कि ये वाला जो ए वन ई है इसको ले लिया हमने स्टील और इसको ले लिया कॉपर ठीक है और इस पर लोड लगा दिया टेन न्यूटन का

क्वेश्चन कराने के पीछे एक कंसर्न ये रहता है कि अगर हम इंडिविजुअल हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन करने लगे तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम मतलब जहां दो घंटे में टॉपिक को कवर करना है जहां दो घंटे में आप चीजों को कवर कर रहे हो वो चार घंटे लगेंगे तो हमेशा से हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो चार घंटे की चीजें हैं ना उसको दो घंटे में कवर करें या एक घंटे में कवर करें क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेप्ट अगर आप एक क्वेश्चन में यूज करोगे तो बेसिक फंडामेंटल अप्लाई करने में बेसिक कैलकुलेशंस अप्लाई करने में आपका टाइम बचेगा जब वो टाइम आप रिड्यूस करोगे वो टाइम अगर बचाओगे हर एक सब्जेक्ट में तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका प्रिपरेशन कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा एज कंपेयर टू द अदर पर्सन जो लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करने के पीछे भाग रहे हैं कि नहीं ई हमें कैसे निकालना एक सेपरेट क्वेश्चन उसका किया जी कैसे निकालना उसका एक सेपरेट क्वेश्चन किया म्यू कैसे निकालना उसका एक सेपरेट क्वेश्चन किया और के चार अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन किए तो उसमें चारों के लिए दस दस मिनट चालीस मिनट दिए लेकिन आप उसी क्वेश्चन को, e, को एक ही क्वेश्चन पे करोगे लेकिन आप बीस मिनट का टाइम दे रहे हो पंद्रह से बीस मिनट का टाइम दे रहे हो तो एक बड़ा क्वेश्चन आपको चार चीजें कवर करा रहा है उन्होंने भी चार चार क्वेश्चन चीजें को ही कवर किया लेकिन वो चालीस मिनट में कवर कर रहे हैं और आप पंद्रह से बीस मिनट में कवर कर रहे हो तो बेनिफिट कहां आपका हो रहा है आपने भी भी उतना उतना ही ही किया उन्होंने भी किया लेकिन आपने टाइम मैनेजमेंट पर सेविंग किया उस बीस मिनट को उस बीस से पच्चीस मिनट को कहीं और किसी और सब्जेक्ट पर यूटिलाइज करो उसको रिविजन पर यूटिलाइज करो शॉर्ट नोट्स पर यूटिलाइज करो नैचुरल नंबर ऑफ प्रैक्टिस पे यूटिलाइज करो उसका बेनिफिट आपको कहीं ज्यादा एग्जाम में मिलेगा गॉट इट ये मेरा मेन कंसर्न होता है और ये चीजें इस चीज को फॉलो करोगे ना तो कभी भी एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन पहले चीजें छूटेगा नहीं स्पीड आपका मेंटेन रहेगा एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा और अगर कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन भी आ जाएगा ना तो वो आप अटेम्प्ट करने के लिए वहां पे रेडी रहोगे कि हाँ इस तरीके कंसेप्ट हमने उस क्वेश्चन पे अप्लाई किया था और साथ में दो अलग अलग कंसेप्ट भी एड किया था तो ये चीज सॉल्व कर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि दे मे बी आस्क अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन जैसे कि आशीष आपने बीपीएससी दिया था तो आपको याद है पेपर फाइव में कुछ क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल थे तो जब आपको प्रैक्टिस था तभी तो आपने सॉल्व किया था अगर प्रैक्टिस नहीं होता उस तरीके का सवाल नहीं किए रहते तो नहीं कर पाते तो ये चीज मेन बेनिफिट होता है आपको डिफरेंट वराइटीज ऑफ क्वेश्चन कन्वेंसल करने का तो वो मैं जब आप क्वेश्चन करोगे तो यू जस्ट रियलाइज कि हाँ हमने क्या किया है और आपका क्या बेनिफिट हो रहा है इन सब चीजों का गॉट इट आइए स्टार्ट करते हैं तो यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज द इक्वल्स टू क्या होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन सेकेंड सियर मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी मॉडलर्स ऑफ फिलासटी एक चीज और वन मोर थिंग जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में अगर ए, कुछ लोगों को आ, ये होता है कि जो क्लासेस चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं उनको एक डेमो लेसन चाहिए होता है अपार्ट फ्रॉम द यूट्यूब सेशन, जिनको पता है तो पता है जिनको नहीं पता है जो फर्स्ट टाइम आना चाहते जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि इस पर्टिकुलर लेसन को अनपेड कर देता हूँ मैं उनको बता दीजिएगा कि एक लेसन पहला लेसन ही अनपेड है बाकी सारे पेड रहेंगे तो आप ये फर्स्ट लेसन वो एक्सेस कर सकते हैं इसके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकते हैं ठीक है तो पेपर वन का एक लेसन ये एक्सेसिबल रहेगा और पेपर टू का मैकेनिक्स का फर्स्ट लेसन एक्सेसिबल रहेगा गॉट इट तो उनको आप बता सकते हैं क्योंकि बहुत लोगों का कंसर्न है कि सर कैसे क्या होगा कैसे होगा तो उनको आप बता सकते हैं जो भी दोस्त हैं आपके तो ऑफ सियर मॉडलिटी इक्वल्स टू क्या होता है सीयर स्ट्रेस बाय सीयर स्ट्रेन तो सीयर स्ट्रेस को क्या से डिफाइन करेंगे टाउ से और सीयर स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे फाइव से तो ये लिखेंगे सीयर स्ट्रेस बाय सीयर स्ट्रेन सीयर स्ट्रेन ठीक है सीयर स्ट्रेस बाय सीयर स्ट्रेन गॉट इट अब तीसरा आता है आपको बल्क मॉडुलस बल्क मॉडुलस क्या होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ट इज के बल्क मॉडलिटी क्या हो जाएगा के इक्वल्स टू स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको एग्जल स्टिफनेस भी कैसे डिफाइन होता है आपका एक्ज स्टिफनेस भी कैसे डिफाइन होता है और बल्क मॉडल भी के से डिफाइन होता है आ, जब स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में काफी सारी चीजें काफी सारे टर्म्स जो आएंगे वो K के के फॉर्मेट में आते हैं आ, अभी आगे आएंगे तो यहां पे हम देखते हैं यहां पे क्या हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन वी एप्सिलॉन वी क्या हो गया दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गया एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड हाउ टू कैलकुलेट द एप्सिलॉन एक्स हाउ टू कैलकुलेट द एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड तो ये सारे चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे फॉर्मूला और एक क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर होगा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट करते हैं जिन लोगों ने स्पेशल क्लासेस यूट्यूब पे अटेंड किया है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है पता कि वो चीजें ऐसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा से कराऊंगा ऐसा नहीं है अभी आपको अगर पढ़ना है तो जस्ट डू वन थिंग कि आ, आप जहां पे क्लासेस कर रहे हो ना जैसे कि पेपर वन का जो क्लास है उसके नीचे जस्ट आ, लिखा होगा कि आ, क्या था स्पेशल फ्री क्लासेस फ्री स्पेशल क्लासेस करके उसमें कन्वेंशनल है आपके सोम के तो वहां से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो अभी टाइम के लिए ठीक है फोर्थ वन पोइजन्स रेशियो पोइजन्स रेशियो पोइजन्स रेशियो किसे डिफाइन करते हैं म्यू से तो म्यू इक्वल्स टू क्या होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गेट्यूडल स्ट्रेन माइनस ऑफ वाई दिस इज निगेटिव लेटरल स्ट्रेन बाय स्ट्रेन देखिए नेगेटिव क्यों होता है सो मैं आपको समझाता हूं जैसे कि मान ले कि कोई एक एलिमेंट है ठीक है जैसे कि आप आते हैं फोर्थ वन पे जैसे कि मान ले कि छोटू सा कोई एक एलिमेंट है ओ इसको थोड़ा थ्री डी में बनाना था लुक जाइए ठीक है ना तो जब आप यहां पे सिग्मा एक्स लगाओगे इस डायरेक्शन में सिग्मा एक्स लगाओगे तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट में इस डायरेक्शन में छोटा होगा ये और इस डायरेक्शन में बड़ा होगा ठीक है ना इस डायरेक्शन में लेंथ एक में डिक्रीज करेगा और एक में इंक्रीज करेगा जी इतना घटेगा इधर से समझ में आ रहा है ना तो दैट्स तो वाई तो ये, ये क्या का लगा ये निगेटिव ये निगेटिव माइनस और ये इधर क्या होगा प्लस एक में जो लेंथ है वो रिड्यूस हो रहा है एक में इंक्रीज कर है दैट इज अटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गट्यूडल स्ट्रेन तो वाई माइनस ऑफ एप्सोलॉन वाई ऑफ ऑफ एप्सोलॉन एक्स लिखिए और ये लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ एप्सोलॉन जेड बाई एप्स एक्स दोनों चीजें क्लियर सूर्यकांत सुमीला राज वर्षा आशीष दो जोर प्रेजेंट है तो ये चीजें यहां पे है चाहे आप कोई स्क्वायर रेक्टांगल सेक्शन के लिए ले लीजिए या फिर आप सिलेंड्रिकल सेक्शन के लेर इज नो इशू कोई दिक्कत नहीं है बट समहा कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो रेशियो है जैसे कि आ, म्यू फॉर द कॉर्क कितना होता है एनी वन का आंसर म्यू फॉर कॉर्क एनी वन कैन आंसर कॉर्क के लिए कॉन्क्रीट परफेक्टली प्लास्टिक रबर परफेक्टली इलास्टिक रबर काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज जीरो पॉइंट फाइव यह होता है जीरो पॉइंट वन से लेकर जीरो पॉइंट टू तक और एक जो और जो टर्म है वो आपका है कितना आ गया ये होता है लगभग जीरो अप्रोक्सीमेटली जीरो लेते हैं इसको नियर अबाउट जीरो ठीक है ना ग्रेट सूर्यकांत अब उसी तरह से स्टील की बात करते हैं जीरो पॉइंट टू एट सिक्स फॉर माइल्ड स्टील बट अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर द डक्टाइल मटेरियल फॉर डक्टाइल मेटल पजन रेशियो जीरो पॉइंट थ्री लेते हैं एक एवरेज वैल्यू जो है ना दैट इज जीरो पॉइंट थ्री गॉट इट अब सवाल है कि पोजेंस रेशियो का जो वेरिएशन होता है वो कहां से कहां तक होता है पोजेंस रेशियो का जो वेरिएशन होता है दैट इज वेरिज बिटवीन माइनस वन से लेके जीरो पॉइंट फाइव तक सो म्यू म्यू इज वेरिज बिटवीन माइनस वन से लेके जीरो तक गॉट इट माइनस वन से लेके जीरो पॉइंट फाइव तक लेकिन अब सवाल यह है कि जो आपको पेपर में या फिर कहीं पे दिखेगा तो यहां पे एक साफ साफ लिखा होता है कि फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल म्यू इज वेरीज बिटवीन म्यू जो वेरी करेगा वो जीरो से लेके पॉइंट फाइव के बीच में गॉट इट इफ फॉर फॉर लेस दैन जीरो फॉर लेस देन जीरो फॉर लेस देन नहीं ऐसे नहीं लिखिए इसको लिख लीजिए म्यू लेस देन जीरो फॉर म्यू लेस देन जीरो फॉर रेहोपेटिक मटेरियल रेहोपेटिक मटेरियल एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन आई थिंक सूर्यकांत आशीष वर्षा राज सुमी अगर क्या नाम था स्वप्ना प्रधान जो लोग भी प्रेजेंट है बता दीजिए यस और नो यहां तक क्लियर है ना आपके पेपर में नीचे वाला नहीं आएगा लेकिन फॉर द नॉलेज पर्पज के लिए कि फॉर द रिहोपेटिक मटेरियल जो होता है उसका जो पॉइजन श्रेषियों का जो वैल्यू होता है वो जीरो से कम होता है इट विल सो इन द माइनस वैल्यू बट फॉर द इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करें तो इंजीनियरिंग मटेरियल जो पॉइजन रेशियो जो वैल्यू होगा दैट इज बिटवीन जीरो पॉइंट फाइव मोस्ट ऑफ द टाइम नाइंटी नाइन केसेस में जो आपको डक्टाइल मेटल के पूछा जाता है तो डक्टाइल मेटल केस में जीरो के आसपास होता है ठीक है डॉटी का जीरो पॉइंट जीरो टू एट हो जाता है इच एंड एवरी थिंग इज कलियर अबाउट द पॉइजन रेशियो ठीक है सूर्य यस ठीक है ठीक है ठीक है, है बिल्कुल सही है that's अब एक सवाल और आता है अब एक सवाल और आता है कि आ, जैसे कि अगर हम बात करें कि बल्क मॉडल्स की बात करते हैं हमने पोयजन रेशियो देख लिया आपने पोजन रेशियो समझ में आ गया उसमें स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है कि इट इज द रेशियो ऑफ

सबको पता है आई नो लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है चेंज इन लेंथ लेन ओरिजिनल फिर चेंज इन अपॉन अपॉन या फिर चेंज इन डेप्थ डेप्थ दिस इज द वेजिनल दो चीज है अब डायरेक्शन की बात कर लेंगे तो डायरेक्शन एक्स वाई जेड डायरेक्शन कोई भी उठा लो भाई जो हाँ मन करे उठा लो आपकी इच्छा है थोड़े मना करने जाता है ये एक्स डायरेक्शन है ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है तो जिस डायरेक्शन की बात करोगे रिस्पेक्ट टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या फिर ये भी कह सकते हो कि इफ डायरेक्टली मैं फॉर्मूला पे भी आएंगे आगे जस्ट वेट कि आप सोलॉन वी केस के के में क्या लिख सकते हैं कि अगर हम आपको इक्वेशंस पता होगा आ, मतलब इक्वेशन अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो आपने सुना होगा ई इक्वल्स टू थ्री के इंटू वन माइनस टू म्यू यस और नो ई इक्वल्स टू थ्री के इंटू वन माइनस टू और दूसरा इक्वेशन जो सुना होगा ई इक्वल्स टू जी ईक्वल्स टू टू जी इंटू वन प्लस म्यू ई इक्वल्स टू टू जी इंटू वन प्लस और एक थ्री के इंटू वन माइनस टू दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको ध्यान में रखना है गॉट इट तो ये सारे टर्म्स हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन लिख देते हैं सीधा सीधा कि दैट इज नॉट अ इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट इज द रिलेशन सो आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट की बात करेंगे तो सबसे पहला जो रिलेशन आएगा वो हमारा क्या हो गया इक्वल्स टू थ्री के इन टू वन माइनस टू म्यू दिस शुड बी डिफाइंड और नॉट अगर आपकी जरूरत है तो मैं डिफाइन करता हूं अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आप बता देना वैसे मुझे नहीं लगता है क्योंकि ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद करना है डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पेपर में इस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना इससे डिराइव नहीं करना है। ना आपको ऑब्जेक्टिव में आ रहा ना आपको कन्वेंस ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूला आ रहा है उस पर क्वेश्चन आएंगे और कन्वेंसन में इसको कभी डिराइव करने के लिए नहीं आएगा आना है तो इस इसपे क्वेश्चन आएंगे देर इज सो प्लीज लर्न कर लेना प्लीज इसको अच्छे से याद कर लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जगह मैं लिख रहा हूँ कहीं पर वी या फिर वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं तो उसको मतलब रटना है आपको कुछ सोचना समझना नहीं उसको याद करना है किसी भी तरीके से ठीक है ना दूसरा इक्वल्स टू टू सी इंटू वन प्लस मी ये दोनों जो फार्मूला है ना ये दोनों का दोनों फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है बाकी तीसरा चौथा कम आते हैं ये थर्ड वन और फोर्थ वन तो इसी से डिराइव हुआ है लेकिन कोई बात नहीं अगर नहीं भी अगर याद है नाइन के जी बाय थ्री के प्लस जी तो चलेगा काम तीसरा चौथा अगर नहीं याद है तो काम चलेगा लेकिन पहला दूसरा तो नहीं भूलना है पहला दूसरा तो एकदम आपको उंगलिए पे रखना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे डिराइव होते हैं बहुत का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन डिराइव होते हैं इससे काफी कम क्वेश्चन आते हैं ना के बराबर आते हैं तो इट्स ओके ठीक है चलेगा इसमें वॉट इट तो फर्स्ट सेकेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फर्स्ट सेकेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड अगर आपसे कभी भी पेपर में पूछा जाए कि पॉइजन रेशियो का जो रेशियो होता है फॉर द इंजीनियरिंग मटेरियल तो आप लिखेंगे जीरो से लेके जीरो पॉइंट फाइव तक अगर आपसे पूछा जाए कि एनी टाइप ऑफ द मटेरियल के लिए क्या होता है लाइक ह्यूमन टिश्यू फिर मटेरियल किसी भी तो -1 से लेके तक अगर आपके पेपर में ऑप्शन दिया हुआ है दिस इज द माइनस वन से जीरो पॉइंट फाइव और वहां पर मैंसन किया हुआ है कि दिस इज फॉर द इंजीनियरिंग मटेरियल और जीरो से लेकर जीरो है तो यू विल जस्ट आंसर फॉर द जीरो से लेकर जीरो तक ध्यान रखिएगा इन चीजों का कि वहां पर इंजीनियर इंजीनियरिंग मटेरियल लिखा हुआ है या एनी टाइप ऑफ मटेरियल लिखा हुआ में क्या है तो question और उप्षन, दोनों ऑप्शन सही हो सकता है पता आपको दोनों ऑप्शन सही है लेकिन कहां पे कौन सा ऑप्शन अप्लाई करना है आपको अच्छे से पता होगा गॉट इट अब एक सवाल और आता है रिलेशनशिप लिख लिया आपने ई के केस में जी के केस में के के केस में, के के में, के के में और म्यू के केस में अब एक टर्म्स आता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव कन्वेंसन में कोई इसका यूज नहीं है कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट फॉर द होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मेटीरियल एनीमन कैन आंसर प्लीज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट याद रखना पहले कोई बताओ मुझे उसके बाद में बताऊंगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट बताइए फर्स्ट वन होमोजिनस एन आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक सेकेंड वन ऑर्थोट्रॉपिक अच्छा ऑर्थोट्रॉपिक आपको नहीं बताया ना ऑर्थोट्रॉपिक इज द वुड मटेरियल द मटीरियलोट्रॉपिक बताता हूँ अभी दैट इज द परपेंडिकुलर होता है और कुछ नहीं होता है. एक दूसरे के तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज होंगे वो अलग होंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन याद रखना एक दूसरे के एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अगर अलग अलग होते हैं वो ऑर्थोट्रॉपिकाता है एंड द थर्ड वन द एनियोट्रॉपिक एनियोसोट्रॉपिक और नॉन एसोट्रॉपिक बताइए का आंसर नॉन आइसोट्रॉपिक सूर्यकांत तीन छो आशीष आपका सही है फॉर द होमोजीनियस ऑन आइसोट्रॉपिक द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलास्टिक कॉन्स्टेंट इज टू ऑर्थोट्रॉपिक वुड दैट इज नाइन

हाँ, दोनों सही लिखा आशीष आपने बिल्कुल सही है सूर्यकांत गलत है आपका बिल्कुल सही अब आ जाइए इस चैप्टर के मोस्टली हमने थियोटिकल पोर्सन देख रखे हैं ऑलमोस्ट सारी चीजों को कवर कर दिया एक्सेप्ट थर्मल स्ट्रेसेस सो थर्मल स्ट्रेसेस के कुछ पोर्शंस में आपको बताता हूँ कुछ टर्म्स में आपको बताता हूँ उसके बाद बाकी के जो टर्म्स है ना उसको हम कन्वेंशनल क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे और इसी से रिलेटेड कम से कम इस चैप्टर के 25 से 30 ऑब्जेक्टिव होंगे सो प्लीज प्रिपेयर दिस चैप्टर मतलब ध्यान रखिएगा इन चैप्टर का क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ वहीं पे एक्सप्लेनिंग करते जाएंगे जो भी नंबर ऑफ उसके होंगे ना जिससे कि आपको क्या होगा कि कभी भी किसी भी तरीके का डिफरेंट अगर 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 ऑप्शन हो जाएगा चीजें याद हो जाएंगी सो so, आपको कन्वेंशनल वाले जो क्लासेस uh, है उसको मिस नहीं करना है एक भी क्लास मिस नहीं करना है ठीक है ना और सेकेंड थिंग दोज आर रजिस्टर फॉर द पेपर टू ऑल्सो मस्ट टेल मी की टू सिक्स टाइम इज कंफर्टेबल और एनी अदर टाइम तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे बता दीजिएगा थर्मल स्ट्रेसेस देखिए थर्मल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन की हम बात करेंगे तो एक दो फॉर्मूला है इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है सिग्मा इक्वल्स टू पहला होता है ई e, अल्फा डेल्टा इक्वल्स टू होता है एल आल्फा ओके डेल्टा टी है डेल्टा टी गॉट इट डेल्टा इक्वल्स टू एल आल्फा डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस यहां भी डेल्टा टी स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एल आल्फा डेल्टा टी बाय एल तो एल सेल कैंसिल अल्फा डेल्टा टी बच गया ठीक है अब कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि थर्मल एक्सपेंशन अल्फा का वैल्यू क्या होता है कि अल्फा ऑफ स्टील अल्फा ऑफ अल्फा अल्फा कैसे याद रखते हो देखिए कैसे लिख रहा हूं ए बी सी एस एक का याद रखिए चारों याद हो जाएगा चार तीन चार याद रखना ठीक है चार तीन चार इन दोनों के बीच गैप चार होगा इन दोनों के बीच गैप तीन होगा इन दोनों के बीच गैप चार होगा खुद से देखिएगा ध्यान फिर एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा ट्वेंटी थ्री इंटू टेन पावर माइनस सिक्स पर डिग्री सी याद हो गया चारों एक ही याद करना आपको सिर्फ और सिर्फ आपको स्टील याद करना है आपको चारों याद हो जाएंगे चार तीन चार दिस इज द ट्रिक फोर थ्री फोर इज द ट्रिक कोई ऐसा टर्म्स नहीं कहीं पे लिखा हुआ तो ए बी सी ए फॉर द एलुमिनियम बी फॉर द ब्रास सी फॉर द कॉपर और एस फॉर द स्टील लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूज रहोगे आप सो छोटा सा टर्म लिखने में कोई दिक्कत नहीं है एल्यूमिनियम ब्रास ये आपका कॉपर और ये आपका क्या हो जाएगा स्टील ठीक है दिस इज द फोर इंपॉर्टेंट टर्म तो यहां पे, यहां पे पे सबसे ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉफिसेंट किसका है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉफिसेंट काफी इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि यही डिफाइन करता है कि, कि किसी भी मटेरियल में टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां पे इलांगेशन हो रहा है या फिर उसका कंप्रेशन हो रहा है यानी कि वो सेक्शन टेंजाइल हो रहा है या कॉम्प्रेसिव हो रहा है यही डिसाइड करेगा आपको अल्फा का वैल्यू डिसाइड करेगा तो जो अल्फा का वैल्यू अगर डिसाइड करता है तो आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि अल्फा का वैल्यू क्या होता है किसके लिए स्टील के लिए क्या होता है कॉपर के लिए क्या होता है ब्रास के लिए क्या होता है एल्यूमिनियम के लिए क्या होता है आपको वैल्यूज नहीं पूछेंगे आपसे वैल्यू नहीं पूछेंगे आपसे पूछेंगे कि वी हैव ए कंपोजिट सेक्शन ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम इट वी हैव ए कंपोजिट सेक्शन ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम जब हम उसको टेम्परेचर रेज करेंगे तो एल्यूमिनियम में टेंजाइल होगा या कॉम्प्रेसिव होगा या फिर स्टील में टेंजाइल होगा या कॉम्प्रेसिव होगा ये सारी चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन के थ्रू सो अगले क्लास में हम इसका डायरेक्टली अगले क्लास में एक चीज आपसे मैं आपसे सजेशंस ले रहा हूं कि थ्योरी कराऊं अभी नेक्स्ट चैप्टर का इधर क्वेश्चंस कराऊं उसके बाद थ्योरी कराऊं बताते जाना सो ए इज ग्रेटर देन बी सी एंड डी सॉरी डी नहीं है एस एस ए बी एस सी एस ठीक है दिस इज स्मॉल ट्रिक दिस इज स्मॉल ट्रिक अब सवाल ये है कि अगर कोई बार कोई मेटल अगर रिस्ट्रेन नहीं है तो क्या उसके बीच में स्ट्रेसेस डेवलप होंगे यस और नो नहीं अगर कोई बार फ्री टू डिफॉर्म है तो वहां पे किसी भी तरीके का स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होगा क्वेश्चन के थ्रू तो इन नेक्स्ट क्लास इन अपकमिंग टुमारो क्लास आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस सम फ्यू इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन बिकॉज इज वेरी फॉर यू सो इन सारी चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा हो सकता है कि कल हम स्टार्ट कर दियर फोर्स एंड बिल्डिंग मूवमेंट कम से कम चार से पांच क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे करेंगे और इसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो सम ऑफ द थ्योरी जो आपको आज थ्योरी बताया थोड़ा सा थ्योरी और उसके बाद क्वेश्चन और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल क्वेश्चन करेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पार्ट होगा ना वो हम लास्ट में करेंगे लास्ट का जो क्लास होगा पार्ट अगर जरूरत पड़ा तो वी विल डिस्कस द पार्ट आल्सो अगर ऐसा रिक्वायर्ड हुआ तो एक पार्ट और हम इंक्रीज करेंगे लेकिन अगर नहीं जरूरत तो ठीक है सो इसलिए क्लासेस सारे स्किड्यूल किए हुए हैं टाइम पे आप देख सकते हो आपको क्लासेस से पहले आधे घंटे पहले नोटिफिकेशन भी आ जाया करता जैसे कि आज आ गया था दो तीन दिन के बाद आपको एसएमएस भी आ जाया करेगा गॉट इट सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स एंड आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड नो प्लीज टेल मी जितने लोग प्रेजेंट है बता दीजिए मुझे अभी तक जितना पढ़ा है उसपे क्वेश्चन पे दैट्स ग्रेट यही तो पूछना था हाँ वही कराऊंगा वही कराऊंगा यस सूर्यकांत थ्योरी ऑल देन क्वेश्चन नहीं 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 नहीं, नहीं आसिष बेटर एक काम करते हैं पहले आज वाले क्लास का कल क्वेश्चन कर लेते हैं टाइम बचेगा तो नेक्स्ट मोमेंट में तो कुछ है ही नहीं उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन ही स्टार्ट कर लेंगे ठीक है ना बेसिक बेसिक कुछ थ्योरी है उसका जो कि काफी सिंपल है सपोर्ट्स क्या होता है लोड क्या होता है ये सारी चीजें तो कोई बड़ा चीज नहीं है वो गॉट इट सो अगले क्लास पे यानी कि कल शाम आठ बजे मिलते हैं ठीक है So, आज के लिए इतना ही सो थैंक यू इवन आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दोज पॉइंट ऑल दोज थिंग